आज अपन जानेंगे कि कैसे अपन फिफ्थ और एट क्लास की बोर्ड फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले अपन साला दर्पण को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद प्राइड स्कूल को लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे अपन अपना पासवर्ड डिटेल्स वगैरह डाल के कैप्चर वगैरह इंसर्ट करके अपन अपनी साला दर्पण को लॉगिन कर लेंगे प्राइवेट स्कूल पोर्टल को। ये साला दर्पण मैं इसमें फिफ्थ और एट क्लास की जो बोर्ड डिटेल्स है, फॉर्म्स कैसे भरे जाते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स अपन एक मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल कवर करेंगे, जिसमें ये विज्ञप्ति है नोट ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपसे एक निर्देश। ये सारे निर्देश हैं कि सर पुष्टि वगैरह, उसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं सारे पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स अपन को प्रॉपरली पढ़ना है कि कहाँ पे अपन को क्या भरना है। ज़्यादा डिटेल्स अपन को नहीं डालनी होती है, एड्रेस डालना होता है बच्चे का और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं, और बाकी सारे डिटेल्स पोर्टल अपने आप उठाता है। पर वो जो डिटेल उठा रहा है, जब से मैंने पुराने वीडियो में भी बताया आपको कि जो डिटेल्स उठाई जा रही हैं, वो डिटेल्स अपन को पहले चेक करनी है अपने पीएसपी पोर्टल से कि वो डिटेल्स जो हैं वो सारी डिटेल्स सही हैं क्या बच्चे की डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, फिर ही अपन को सारी चीज़ें करनी है। तो बच्चे के सिग्नेचर फोटोज़ वगैरह मैंने पहले से कर ली थी, और ये विज्ञप्ति है, ये नोट है, ये नोट मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। नोट पूरा पढ़ने के बाद में ही अपन को फॉर्म स्टार्ट करना है। स्टेप बाय स्टेप 10 पॉइंट्स हैं, ये 10 पॉइंट्स अपन को कवर अप करने हैं, ठीक है। एक नंबर से सारी अपन प्रविष्टियाँ देख लेंगे। ये सारी नोट्स हैं, ये सारे नोट्स अपन देख लेंगे कि कैसे अपन को कब लॉक करना है, क्या क्या नहीं। मैंने पहले से पढ़ रखा है, मैं आपको दिखाने के लिए ही ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे आवेदन करना है अपन को, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, ये करने के बाद में अपने सामने नीचे क्लासेज आएंगी कि कौन कौन सी क्लासेज का अपन को परफॉर्म करना है। जैसे मैं फिफ्थ क्लास का भर रहा हूँ, फिफ्थ क्लास में ये एक भावेश कुमार, संदीप कुमार है, इस बच्चे का मैं बोर्ड फॉर्म भरने जा रहा हूँ। तो इस डिटेल्स में बच्चे की डिटेल्स अपन ने चेक कर ली, फिर यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करेंगे जैसे फॉर्म लोड होगा, यहाँ पे बच्चे की डिटेल्स आएंगी पूरी ऊपर, बच्चे का नाम, पोर्टल की विद्यार्थी की डिटेल्स वगैरह सारी डिटेल्स, मम्मी का नाम, DOB वगैरह सारी, मतलब BPL परिवार से, कौन से जेंडर वगैरह सारी चीज़ें अपन को प्रॉपर वन बाय वन करके चेक करनी है। उसके बाद में इसको सेव करना है। ये सारी डिटेल्स अपन वन बाय वन करके चेक कर लेंगे। धर्म वगैरह हो गया, विद्यालय का पंजीकरण निजी है क्या है, तो वो पंजीकरण अगर आप प्राइवेट स्कूल से करें तो वो निजी आएगा, प्राइवेट आएगा, ये कंफर्म कर देंगे अपने यहाँ से। कंफर्म करने के बाद अपने सामने डिटेल्स आएंगे कि विद्यार्थी का पता, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अपन को ज़्यादा डिटेल फिल नहीं करनी, अपन को विद्यार्थी का एड्रेस ही फिल करना है। नाम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, एड्रेस मतलब नाम नहीं, एड्रेस अपन पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, एड्रेस यहाँ पे बच्चे का एड्रेस, जो भी बच्चे का पूरा डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस है वो एड्रेस डाल देंगे। पूरा एड्रेस उन्होंने डाल दिया है। पूरा एड्रेस डालने के बाद नीचे मोबाइल नंबर अपन को सबमिट करनी है, पोर्टल से भी आ सकता है। एड्रेस अपन ने चेक कर लिया, एक क्रॉस चेक अपन को कर लेना है डॉक्यूमेंटेशन से। मोबाइल नंबर अपडेट कर लिया, मोबाइल नंबर चेक कर लिया अपन ने। मोबाइल नंबर री एंटर कर दिया मैंने, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्टल से भी अपडेट हो जाता है, ये पोर्टल से भी सिंक हो जाता है। ये मोबाइल नंबर वगैरह डिटेल एक बार दोबारा चेक करके अभी सेव कर देते हैं इसे। ये डिटेल अपनी सारी सक्सेसफुल हो गई। यहाँ पे अपन को साइन और जैसे फोटो है और सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर ये PDF इससे रिलेटेड है कि भाई कितनी MB में अपन को ये सिग्नेचर अपलोड करने हैं, क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए इसकी, तो कितनी KB में ये मतलब आएगा, साइज़ क्या रहेगी फ़ोटो की, और कितनी KB में सिग्नेचर की साइज़ रहेगी। तो सिग्नेचर वाले PDF में सिग्नेचर की डिटेल्स होगी और इस वाले में इसकी डिटेल्स होगी। तो मैं पहले फ़ोटो है तो फ़ोटो की साइज़ कम कर लेता हूँ। तो ये आप इस फोटो से रिलेटेड सारे निर्देश हैं वो देख सकते हैं, मतलब प्रॉपर अपन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल्स है कि
कि जैसे 8th क्लास के बच्चे हैं तो उस 5th क्लास के बच्चे हैं उनकी साइज़ क्या रहेगी फ़ोटो की, 8th क्लास के बच्चे की फ़ोटो की साइज़ क्या रहेगी, पूरी डिटेल दिशा निर्देश सारे हैं फॉर्म फिलअप करने से लेके। सारी डिटेल्स देखने के बाद अपन फ़ोटो यहाँ से अपलोड करेंगे। यहाँ पे क्रॉप फोटोज़ की साइज़ अपलोड अटैचमेंट होगा तो यहाँ से अपन चूज फाइल कर लेंगे। चूज फाइल करने के बाद में फ़ोटोज़ की साइज़ अपने वहाँ से देखी थी कि क्या साइज़ में फ़ोटो होनी चाहिए, वो सारी डिटेल अपन देख लेंगे। यहाँ से मैंने चूज़ फाइल कर ली, इसको रिसाइज कर लेंगे। ये देखिए इसको फिट कर लिया अपन ने। फिट करने के बाद में यहाँ पे क्रॉप फ़ोटो कर लेंगे, ये फ़ोटो क्रॉप हो गई है। और अभी यहाँ से कंफर्म फ़ोटो पे अपन क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो अपनी कंफर्म हो जाएगी। नीचे जाएंगे अपन, ये लोड हो रहा है थोड़ा सा, एक बार ये फॉर्म आ गया पूरा। यहाँ पे फ़ोटो अपनी अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे दूसरा है अपना सिग्नेचर, सिग्नेचर अपन के लिए सिग्नेचर पे यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। साइज़ वगैरह सारी अपन देख सकते हैं कि सिग्नेचर में कितनी साइज़ मांगी है और फ़ोटोज़ में कितनी साइज़ मांगी है। 50 KB मांगी है, अधिकतम 20 KB से लेकर 50 KB तक, हस्ताक्षर की 20 KB और फ़ोटोज़ की 50 KB। तो यहाँ से अपन सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे तो सिग्नेचर की फ़ाइल को सेलेक्ट कर लिया, सिग्नेचर फाइल को अपन क्रॉप कर लेंगे यहाँ से सेट करके, साइज़ वगैरह सेट कर लेंगे। साइज़ सेट करके यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे ना तो ये सिग्नेचर है ये क्रॉप हो जाएगा। देखिए क्रॉप पे क्लिक करते ही सिग्नेचर अपना क्रॉप हो गया। और यहाँ नीचे अपन इसको कंफर्म फोटो पे कर देंगे, सिग्नेचर की जो फोटो है वो कंफर्म कर दी अपन। तो सारी डिटेल अपनी फिल हो चुकी है तो यहाँ पे फोटोज़ भी अपलोड कर दी, सिग्नेचर भी अपलोड कर दी। यहाँ पे गो टू न्यू न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। जो बच्चे की डिटेल अपने फिल की है ना सारी, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी, सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। गो टू न्यू नेक्स्ट स्टूडेंट पे क्लिक हो जाएगा तो सारी डिटेल ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। या डिटेल दोबारा भी चेक कर सकते हैं, ये मैंने सेव कर दिया है। तो यहाँ पे पुराने वाले बच्चे जिसकी अपन कर रहे थे वो डिटेल तो सेव हो गई। यहाँ से अपन नए बच्चे का फॉर्म भी भर सकते हैं। आप पुराने वाले जिसका अपन ने फॉर्म भरा है उसको देखेंगे। ये देखिए नीचे यहाँ पे अप्लाई के नीचे व्यू का ऑप्शन और आने लग गया। व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे बच्चे का पूरा फॉर्म खुल जाएगा जिसमें बच्चे की पूरी डिटेल रहेगी जो प्राइवेट स्कूल पोर्टल से उठाई गई है। और अपन को ओनली सिग्नेचर और उसका एड्रेस ही डालना पड़ा है, फ़ोटो डालनी पड़ी है, ये तीन चीज़ें अपन को डालनी पड़ी है। तो इस प्रकार से अपन स्टेप बाय स्टेप 5th और 8th क्लास के बोर्ड फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई है वीडियो के अंदर, कैसे अपन को फॉर्म फिल करना है, कैसे अपन को फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, क्रॉप करनी है, सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से अपन सारी डिटेल अपन फिल कर सकते हैं। बच्चे का यहाँ से व्यू फॉर्म जो भरा है उसको व्यू कर लेंगे, व्यू करके यहाँ से अपन प्रिंट दे सकते हैं। तो इसी प्रकार सारा फॉर्म वगैरह सबमिशन करना है, सभी बच्चों की फ़ोटो सेलेक्ट करनी है और सभी बच्चे के सिग्नेचर सिग्नेचर नंबर वगैरह से डाल के अपन को फ़ोटोज़ वगैरह क्रॉप करनी है, रिसाइज करनी है, सारी चीज़ें सेट करके वन बाय वन करके अपन फॉर्म फिलअप करना है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।